वाहन चेकिंग के दौरान भाजपा नेता के साथ गाली गलौज, विरोध करने पर किया मारपीट। सीतामढ़ी जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री वीरू कुमार के साथ वाहन चेकिंग के दौरान अभद्र व्यवहार एवं मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वीरू कुमार रीगा में पार्टी की बैठक से आ रहे थे, इसी दौरान खरबा चौक के समीप वाहन चेकिंग कर रहे पदाधिकारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। हेलमेट नहीं होने की वजह से रीगा थाना के पदाधिकारी मनीष कुमार व अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा उन्हें रास्ते पर रोक दिया गया एवं हेलमेट नहीं होने के कारण गाली गलौज करने लगे। तभी भाजपा नेता द्वारा यह कहा गया कि मैंने हेलमेट नहीं पहना है तो मेरी चालान काट दी जाए, मगर पुलिस ने गाली देने के बाद उन्हें इस बात की विरोध करने के वजह से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया एवं उनके मोबाइल को बाद में तोड़ा गया। अपने परिजनों को फोन करने के दौरान मोबाइल छीन कर फोड़ दिया गया, जिसके बाद खून से लथपथ वीरू कुमार इलाज के लिए सदर अस्पताल आए हैं। वीरू कुमार सुनिए बातचीत में, वीरू कुमार ने क्या कहा जरा सुनिए। कहें कि सर बगले में जा घर है जो हेमलेट रखा हुआ है सर, जाने दीजिए। नहीं जाने दिए, बोले कि चलान कटवाना होगा। हम कहें सर जल्दी काट दीजिए, हमको जाना है। जल्दी के चक्कर में इस पर गाली हमको दे दिए, गाली का हम विरोध किए। उतना ही में लाते जूता डंटा से देख रहे हैं कान में पूरा ब्लड फेंक दिया था, कान फट गया है क्या। और क्या मोबाइल भी आपका फूट, मोबाइल फूट गया है, मोबाइल भी है, मोबाइल फोड़ दिया छीन के। आपने इसके बाद कोई शिकायत की है क्या? इलाज करवा लेते हैं, इलाज करवा जो होगा सो आगे देखेंगे। क्या नाम है आपका? वीरू कुमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री लगाई।